हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ डेली का रूटीन, पूजा और दिन भर का घर का क्या क्या काम करती हूँ। देखिए दिन भर घर में कितना काम रहता है, डेली रूटीन तो आप सबके साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ। सुबह उठना, झाड़ू पोछा करना, सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का आज का मैं पूरा बताई हूँ आप सबको। तो देखिए पूजा पास ये पर्दा लगा हुआ है, अब हम जा रहे पूजा करने, तो पहले पर्दा को हटाएंगे हम। तो देखिए लल्ला सोया है, तो अब हम लल्ला को उठाएंगे। तो देखिए अब हम लल्ला को उठाएंगे। उठ जा लल्ला, सुबह हो गई, उठ जा लल्ला। तो इस तरह से हम हटाएंगे। अब हम ये तकिया हटाएंगे, लल्ला को उठाकर बैठाएंगे इस तरह से। इस तरह थोड़ा हाथ पर दबा देंगे। तो लल्ला को अब हम उठा के बैठा दिए हैं, अब हम इसे हाथ पर थोड़ा दबा देंगे इस तरह से दोनों का। तो देखिए हम एक थाली में स्टार जैसा बना दिए चंदन से और एक फूल रख दिए, तो अब हम शिवलिंग को इसमें रखकर नहलाएंगे। तो देखिए पहले हम ये मधु ले लेंगे, मधु से स्नान कराएंगे इस तरह से। मधु लगा देंगे अच्छी तरह से। नंदी बाबा को भी हम मधु लगा देंगे पूरा अच्छी तरह से। तो अब हम ये टिफिन में घी लिए हैं, अब हम घी लगा देंगे पूरा शिवलिंग में, देखिए इस तरह से। नंदी बाबा को भी हम घी लगा देंगे अच्छी तरह से। तो अब हम ये दूध से स्नान कराएंगे। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। तो अब हम जल से स्नान कराएंगे। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवलिंग को अच्छी तरह से साफ कर देंगे इस तरह से। हम एक कपड़े से पोंछ कर इसे फिर इसकी जगह में रख देंगे शिवलिंग को। तो हमने पहले सारे घर में गंगा जल छीट लिए हैं, तब हम एक कपड़ा भिंगा के लाए, सारे फोटो को अच्छी तरह से हम पोंछ लेंगे इस तरह से। ये सारे फोटो को अच्छी तरह से पोंछ लिए हैं, सूखा तौलिया से अच्छी तरह से पोंछ देंगे ताकि टीका का दाग ना रह जाए सारे फोटो को। देखिए कान्हा को थाली में बैठा दिया, अब हम इसे भी उसी तरह नहलाएंगे घी मधु दूध जल से। तब हम देखिए पहले घी से नहला देंगे, फिर उसके बाद हम मधु लगा देंगे। तो अब हम दूध से स्नान करवाएंगे पहले। तो अब हम इस तरह जल से स्नान करवाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम कान्हा को इस तरह तौलिया से अच्छी तरह से पोंछ देंगे।
तो हम यहाँ पे श्री यंत्र भी रखे हैं, इसे भी दूध और जल से स्नान करवा देंगे। तो अब इसे भी हम पोंछ कर रख देंगे। तो अब हम ये इत्र ले लेंगे, सारे फोटो और कान्हा को इत्र लगा देंगे, शिवलिंग में भी सब जगह इत्र समर्प्यामि, इत्र समर्प्यामि, इत्र समर्प्यामि, इत्र समर्प्यामि, इत्र समर्प्यामि, इत्र समर्प्यामि। अब हम कान्हा को भी इत्र लगा देंगे। तो देखिए हमने कान्हा को तैयार कर दिया है, कितना सुंदर लग रहा है देखिए। तो अब हम टीका, चंदन, रोली सब लगाएंगे। हम पहले दिया जला लेंगे। शुभम करोति कल्याण आरोग्य धन शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते। शुभम करोति कल्याण आरोग्य धन शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते। अब हम दीप को प्रणाम करेंगे। तो अब हम चंदन टीका लगा देंगे। तो अब हम कान्हा को भी चंदन टीका लगा देंगे। यहाँ कछुआ में भी, यहाँ श्री यंत्र में लगा देंगे। और ये दीप को भी हम टीका लगा देंगे, टीका समर्प्यामी। तो हम अपने आप में भी टीका लगा लेंगे। अब हम देखिए इसमें हल्दी, रोली, भस्म और सिंदूर लगा देंगे। तो पहले हम हल्दी लगा देंगे सारे देवी को। हल्दी समर्प्यामी, हल्दी समर्प्यामी, हल्दी समर्प्यामी। कान्हा को भी हम हल्दी लगा देंगे टीका, हल्दी समर्प्यामी। और हम भी लगा लेंगे खुद टीका। उसके बाद हम केसर तिलक लगाएंगे, कान्हा को भी लगा देंगे केसर तिलक, रोली, बलराम जगन्नाथ सुभद्रा यहाँ भी लगा देंगे हम टीका, बजरंग बली को भी टीका लगा देंगे। सबको सिंदूर लगा देंगे, सिंदूर समर्प्यामी, सिंदूर समर्प्यामी, सिंदूर समर्प्यामी, सिंदूर समर्प्यामी। लगा के खुद भी लगा लेंगे सिंदूर। अब हम शिव जी पर भस्म लगा देंगे, भस्म समर्प्यामी। फूल ले लिए हैं तो अब हम सब भगवान में फूल चढ़ा देंगे। सांडिल गोत्र उसको समर्प्यामी, सांडिल गोत्र पुष्प समर्प्यामी, पुष्प समर्प्यामी, पुष्प समर्प्यामी। अब हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। तो इस सादा जल कभी ना चढ़ाए, तो इसमें हमने अक्षत, फूल, रोली और गंगा जल डाल दिए हैं। इस तरह डालकर ही सूर्य भगवान को जल चढ़ाए। सूर्य को जल चढ़ा दिए और सात परिक्रमा कर लिए हैं।
तो अब हम दिया, अगरबत्ती और सिंदूर रोली जा रहे। हम तुलसी चौड़ा में और समी पत्र में भी हम दिया जला दिए। तुलसी चौड़ा और समी पत्र और बेलगाछ में भी हमने जल चढ़ा दिए, दूध चढ़ा दिए। तो अब हम टीका, दिया, धूप दिखाएंगे। तो हम यहाँ शालिग्राम में टीका चढ़ा देंगे, हल्दी रोली तुलसा माता का भी हम टीका लगा देंगे, टीका सिंदूर लगा देंगे। तो यहाँ पे भी शिवलिंग है देखिए, तो हम यहाँ भस्म चढ़ा देंगे। और वासुकी पर केसर तिलक लगा देंगे, कुमकुम। तो यहाँ भी हम समी पत्र में भी टीका लगा देंगे। और ये बेल गाछ में भी हम टीका लगा देंगे। तो हम पुष्प चढ़ा देंगे, ओम सर्वशांति, पुष्प समर्पयामि, ओम सर्वशांति, पुष्प समर्पयामि, पुष्प समर्पयामि। अब हम ये अपराजिता का पुष्प लिए, ये भी चढ़ा देंगे, पुष्प समर्पयामि, पुष्प समर्पयामि, पुष्प समर्पयामि। तो अब हम धूप दिखा देंगे। अब हम दिया भी दिखा देंगे। ओम सर्व मंगल मांगले शिविर साथ के समतम गौरी नारायण नमस्ते। मंगल भगवान से मंगल, मंगल पुंटी का छे मंगलाय तनो हरि नमः। तब हम प्रणाम कर लेंगे। तो ये देखिए समी फूल है, तो इसे हम शिवलिंग में चढ़ा देंगे। ये घर पे ही हुआ है गाछ में। समी पुष्प समर्पयामिनी पत्र भी चढ़ा देंगे शिवलिंग पर, समी पत्र समर्पयामि। तो अब हम 11 दाना अक्षत ले लिए हैं, देखिए टूटा हुआ चावल ना हो, तो ये हम शिवलिंग पर चढ़ा देंगे, अक्षत समर्पयामि। ने जल चढ़ा दिया है। तब हम सारे थाली में भोग तैयार कर लिए हैं, मिश्री, गुड़, किशमिश, एप्पल, जो फल रहता वही मैं चढ़ा देती हूँ। ये पानी फल सिंघाड़ा भी लेके आए, तो मैं इसे भी छील कर चढ़ा दूंगी। तो देखिए मैंने भोग चढ़ा दिया है, और कान्हा के लिए उसमें तुलसी पत्ता भी रख दिया। आज मंगलवार है, तो हमने लाल लाल कान्हा को कपड़ा पहनाया, देखिए। तो कैसे लग रही है आपको जरूर बताइएगा। अब हम ये दर्पण दिखाएंगे कान्हा को, ये देखिए इस तरह से। कान्हा कैसी लग रही है? सब जगह धूप दिखा दिए हैं, धूप दीप दिखा दिए हैं। तो हम थोड़ा कुछ मंत्र पढ़ेंगे और माला जप करेंगे। तो अब हम शिवलिंग पर ये बेलपत्र चढ़ा देंगे, बेलपत्र समर्पयामि, बेलपत्र समर्पयामि। प्राप्त पद प्रथम क्रियत प्रभ हवान मांडल भाजी मधु मथ निमन मथे मया पते मंथर मिंद विच नारदन मंदालस चा मकराल कनकना ददान दैनु पवन द्रवि नाम भूधारा मसु सोम आमने सो दैन नमस्तु नारन संपत कर सकल नंदनी सम्राज्य दा। तो देखिए मैंने ये चालीसा पढ़ लिया, इसमें क्या, इसमें गणेश चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा और लक्ष्मी चालीसा है। तो मैंने ये सब पढ़ लिया। और ये कनक धारा स्त्रोत है, इसे भी मैंने पढ़ लिया। और ये श्री सुक्तम है लक्ष्मी स्त्रोत, इसे भी मैंने पढ़ लिया। और ये दुर्गा सप्तशती है, ये देखिए ये मैंने पहला पढ़ लिया, सप्तश्लोकी दुर्गा। और उसके बाद हमने ये अष्टो अष्टोत्तर सतनाम स्त्रोत, दुर्गा माँ का जो एक पूरा नाम है वो हमने पढ़ लिया है। तो ये मैं रोज पढ़ती हूँ। तो फिर मैं एकादशी व्रत करती हूँ, तो इसके लिए हम एकादशी का देखिए किताब ला के रखे हैं।
तो अभी मैं छठ पूजा के बाद से तो देखिए रविवार व्रत कर रही हूँ, तो ये रविवार का भी सूर्य भगवान का किताब रखी हूँ कथा का। तो देखिए मैं यहीं पे सूर्य भगवान का पूजा करती हूँ हर संडे। तो देखिए अब हम ये माला ले लिए, अब हम माला जप करेंगे। तो देखिए हमने पूजा कर लिया, पाठ भी पढ़ लिया, मंत्र भी जप कर लिया, तो अब हम आरती करेंगे। तो देखिए हमने घी कपूर लौंग ले लिए हैं, तब हम आरती करेंगे। तो देखिए हमने आरती कर लिया, 3 बार परिक्रमा भी कर लिए हैं और सब तरफ आरती दिखा दी है। तो अब हम सब भगवान को पैर छुएंगे और उसके बाद माफ़ी मांगेंगे। तो देखिए मेरी पूजा संपूर्ण हुई। अब हम इस तरह 3 बार जल से आचमन करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, सर्वम शांति, सामा शांति, शांति रेमी। अब हम कान्हा को फल खिलाएंगे। अब हम इस तरह से जल पिलाएंगे। आसन को भी हम ऐसी नहीं उठाएंगे, इसके नीचे हम इस तरह से जल डालेंगे। अब हम 4 बार इसे प्रणाम करेंगे, जल से माथा में लगाएंगे। ओम शकराय नमः, ओम शकराय नमः, ओम शकराय नमः, ओम शकराय नमः। अब हम इसे आसन को मोड़ कर रख देंगे। ये रोज की पूजा आपको दिखाई हूँ, तो मैं रोज इसी तरह पूजा करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे चाय बन रहा है और यहाँ आलू भुजिया फ्राई हो रही है सुबह का नाश्ता में, तभी पूरी छानूंगी। तो देखिए गर्मा गर्म पूरी छना रहा है नाश्ता के लिए, एकदम लाल लाल पूरी। तो देखिए फटाफट पूरी बन गई है। तो अब हम चलते हैं नाश्ता करने। तो देखिए मैंने अपने लिए नाश्ता निकाल लिया है, पूरी चाय और मेथी के लड्डू और बीम आलू का भुजिया, और ये मैंने सुबह बनाई थी लौकी का भुजिया। तो देखिए मैंने सुबह ही झाड़ू पोछा लगाकर बिस्तर से ठीक कर लिया है सब कुछ। तो देखिए रूम मैंने अच्छी तरह से सजा लिया है। तो मैंने सुबह ही नहा धोआ कर देखिए कपड़े सारे सुखा दिए यहाँ पे, और ये कम्बल भी धूप में दे दिए गर्म होने के लिए। और मैं जब पूजा करी तो यहाँ कलश में भी पूजा कर दी हूँ, देखिए फूल रख कर। तो देखिए कितनी सारी सब्जी आया है, और ये सिंघाड़ा फल भी, ये फूल गोभी, बंदा गोभी, मटर छिम्मी और ये सीम। तो अभी मैं धूप में बैठ कर ये सीम को काट ली हूँ। तो देखिए सीम आलू का सब्जी बन रहा है, तो इसे मैंने फ़ौरन मिर्चा प्याज डाल के फ्राई कर ले रहे हैं पहले। तो हम सीम आलू को धो के रख लिए थे, अब हम इसमें डाल के इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए अब हम चटनी की तैयारी कर रहे हैं। तो धनिया पत्ता, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन डाल के हम इसे पीस लेंगे। तो देखिए सीम आलू की सब्जी बनकर तैयार है, और यहाँ चावल भी हो चुकी है और दाल भी बनाकर हमने खाली कर लिया है कुकर को। तो देखिए दोपहर का खाना बन चुका है और यहाँ चटनी भी बन गई है, देखिए कितनी सुंदर कलर लग रही है। तो देखिए खाना बन चुकी है, अब मैं छत में आ गई थोड़ा घूमने के लिए। तो आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या फूल गाछ लगाई हूँ। तो देखिए कितनी सुंदर सब फूल सब खिला है। तो जाड़े के मौसम में ज़रूर ये सब फूल के पेड़ पौधे लगाएं आप भी, मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत शौक है।
तो देखिए मैं कितने सारा फूल लगाए, और ये देखिए मैंने पुदीना गाछ भी घर पर लगाया है। तो मैं धनिया की चटनी में पुदीना भी मिला देती हूँ। तो देखिए ये इंसुलिन का पेड़ है, शुगर वाली, और ये देखिए कितनी सुंदर फूल खिला है देखिए। तो यहाँ गेहूँ भी सूख रहा है, तो इससे मैंने धनिया पत्ता का गाछ लगाया था, तो अब मैंने सबने निकाल लिया है। अरे देखिए वाइट वाला फूल, तो देखिए कितने सुंदर लग रहा है। तो मैं और दिखा रही हूँ आपको, तो देखिए ये येलो वाला, बहुत सारा फूल हुआ है, देखकर बहुत खुश लग रहा है देखिए। तो और यहाँ भी दिखा रही हूँ, तो ये देखिए ये गुलाब का पेड़ है, इसमें गुलाब फूल भी होता है हमेशा। तो अब मैं और एक कलर का दिखा रही हूँ आपको, तो देखिए यहाँ पे है, देखिए ये भी कितनी सुंदर लग रही है। तो यहाँ भी मैं आकर सुबह में पूजा कर ली थी, केला गाछ, और ये पीपल गाछ, और ये मनसा पेड़, और यहाँ भी छोटा छोटा फूल हुआ है देखिए। तो ये लेमन ग्रास का है, तो ग्रीन टी में इसे भी डालकर बनाती हूँ चाय। ये स्टोन वाली पत्थर चट्टा का पेड़ लगाई हूँ, ये किसी का भी स्टोन होने से इसे खाने से बहुत ही जल्दी गला देता है, खाली पेट में डेली खाने से सही रहता है। तो देखिए बगल वाला घर में कितने फूल के पेड़ लगा हुआ है। तो देखिए मैंने धूप में ही बैठकर ये सिंघाड़ा फल को, देखिए 1 किलो सिंघाड़ा पर पूरा बैठ के छील दी हूँ, तो ये छील कर रखी हूँ, और भी बाकी है। तो ये मटर भी रखा, वैसे ही पूरा छील कर फ्रिज में रख दूंगी प्लास्टिक में करके। तो बस यही धूप में बैठ कर मैं पूरा काम करते रहती हूँ दिन भर। तो देखिए मेरे दोपहर का थाली लग चुका है, सलाद में हमने खीरा, टमाटर, गाजर और प्याज, मूली सब काटा है, और चावल, दाल, आलू के भुजिया, चटनी, सीम आलू का सब्जी, और नींबू मिर्चा अचार भी हमने रख दिया है। तो देखिए अब मेरा बेटा खाना शुरू करेगा, ये देखिए बैठा है। तो देखिए अब ये खाना शुरू कर रहा है। तो देखिए 3 बज चुका है, हम लोग खाना वाना खा लिया, और सारा किचन मैंने साफ कर लिया है देखिए, गैस भी धोकर हमने साफ कर लिया है, अब पूरा बर्तन हमने सजा दिया है। तो देखिए पूरा किचन हमने पोछ कर साफ कर लिया है। तो बस अब हम थोड़ा घर में झाड़ू लगा देंगे फिर से एक बार। पूजा पास कितनी अच्छी तरह से हमने सजा दिया है। तो देखिए मेरे शाम का नाश्ता में हम नूडल्स बना रहे हैं, बच्चों के लिए शाम के नाश्ता में नूडल्स बन रहा है। तो देखिए शाम के नाश्ता का नूडल्स बन के तैयार है। तो देखिए रात के खाने में हम पत्ता गोभी का सब्जी बना रहे हैं, तो मसाला फ्राई हो रहा है। तो देखिए रात के खाने में पत्ता गोभी आलू की सब्जी बनकर तैयार है। तो अब रोटी बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स गाजर का हलवा बन रहा है, तो इसमें मैं घी, चीनी, इलायची पाउडर, काजू, बादाम सब देकर बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स रात का 9 बज रहा है, तो अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, सब्जी बन चुका है, दूध गर्म कर दी हूँ, तो गर्म गर्म रोटी बनाकर अब खाना दूंगी। Thank you.
तो देखिए अब सारा रोटी बन चुका है। अब हम सब रोटी में घी लगा देंगे, गाय घी। तो देखिए मैंने थाली सजा दिया है। तो देखिए मेरी डिनर की थाली सज चुकी है। तो मैं जा रही हूँ खाना देने के लिए। तो देखिए आज मैंने ये ऑनलाइन मंगाया है, गाय और बछड़ा। मुझे बहुत दिन से मंगाना था, तब मैं काना के लिए दूध लेके आऊँ, काना को दूध पिला के सुला दूँगी। तो इस तरह से हम दूध पिला देंगे काना को। अब हम पानी पिला देंगे। तो बस अब हम कान्हा को सुलाकर पर्दा से ढक देंगे।